गाइस नमस्कार। गाइस आजकल ला अर्थ को एक तूफान बहुत आने लग गए हैं भाई। बरसात में मेंढक भी क्या होते होंगे जितने तूफान। अभी हम एक पिक्चर अपलोड नहीं करते जिसमें पंखा हिल रहा है, बेड हिल रहा है, फिर तूफान आ जाता है। ऐसा लगता है कि धरती माँ बहुत गुस्से में है। अब क्या करें, क्या मतलब क्या उसका उपाय है भाई। देखिए अब पेड़ पौधे हर समय कहते रहते हैं पेड़ पौधे उगाओ पेड़ पौधे। भाई हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है ऊंचे ऊंचे मकान बनाना और बड़े बड़े कमरे रखना। उसमें हमारा बस नहीं चलता, हम तो जो है सड़क भी कवर कर लें भाई। हवा आए ना आए, लाइट आए ना आए, सेहत ठीक ना हो, अपनी अपनी हवा, अपनी लाइट, पड़ोसियों की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े कमरे हो, हमें क्या मतलब है एनवायरनमेंट से। अब त्योहारों का दिन है भाई, दिसंबर के महीने में तो सेलिब्रेशन ही प्लास्टिक के पेड़ों से होती है। और फिर हमें जो है, हमें अपनी इमेज मैनेजमेंट, हमें ऊपरी सजावट की इतनी ज़्यादा चिंता करनी पड़ती है। प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक रैप, और धरती माँ को प्लास्टिक से कवर करके उसका दम घोटला जाए वो हमारा उद्देश्य है भाई। प्लास्टिक 1000 साल लगता है एक छोटा सा प्लास्टिक गलने में, तो उससे फिर ना तो उपजाऊ शक्ति रहती है, ना हम ना जो है वो फ्लो होता है पानी का, पानी रुक जाता है। अब डेंगू फैला हुआ, आजकल इतनी इतनी बीमारियां फैली, हम क्या करें। डॉक्टरों की सैलरी की भी तो हमें करनी है ना चिंता। बीमारी होगी नहीं तो फिर क्या हर समय पर्यावरण की जो है वो उसकी तरफ ध्यान दे, क्या राग गाते रहते हैं। फिर हमें हम क्यों रखे नैपकिन या रुमाल अपने जेब में, हम क्यों बोझ उठाए। पेपर नैपकिन यूज करेंगे क्या जो है, एक एक दिन में 36,000 पेड़ करते, तो हम क्या करें भाई। हमारे एक के करने से क्या होगा, हम नहीं इस बात में विश्वास रखते। और अब देखिए, अब फिर हमें इसके साथ साथ ये है कि हमें परमार्थ सिखाया गया है, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश में पैसा हो या ना हो, हमें चाइना की बहुत फिक्र है। आप देखिए त्योहारों में चाइना के टॉयज, अब उस परमार्थ है उसका हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ये है कि कोई उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगा, तो क्या है, हमें तो सहनशीलता सिखाई गई है। तो भाई धरती माँ जो है उसकी तरफ ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है। नालायक बच्चे भी तो होते हैं, माँ के बच्चे नालायक भी होते हैं। सभी इंटेलिजेंट हों, समझदार हों, माँ का ध्यान रखें, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जैसे आपको ये वीडियो लगता है, जैसे समझ में आता है, सटायर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से काम करिए। और जो है आपका दिन शुभ हो, और ये त्योहारों का जो दिन है आपके लिए समृद्धि लाए, इसके साथ साथ धरती माँ को भी खुश रखने की कोशिश कर लीजिए। अच्छे बच्चे, बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।